तबस्सुम, इस तरह दाल चुनोगी तो रात में खाना तैयार होगा। तबस्सुम, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। आप जैन को स्कूल से ले आई? हाँ, मैं तो जैन को स्कूल से ले आया, लेकिन तुम कौन सी सोच में डूबी हो? आपको पता है, अकबर आज ईद वाला सूट पहनकर गए बाहर, और इतना भर भर के परफ्यूम भी लगाया था। इस तरह का तैयार तो वो शादी के शुरू के दिनों में भी नहीं हुआ करते थे। मुझे तो सोच सोच के हॉल उठ रहे हैं। एक बात है तबस्सुम, इतना अच्छा मौका ना तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गया। तुम अगर यहाँ पे होती ना तो मैंने पूरा इरादा कर लिया था कि हम दोनों मिलकर अकबर का पीछा करते और देखते कि वो जाता कहाँ है। माँ, क्या हो गया आपको? अकबर तो मोटरसाइकिल पर थे और हम पैदल चलते, और हम कौन सी पुलिस वाली हैं जो भागकर पकड़ लेते? देखो बेटा, जब अपने घर को आग लगती है ना तो इंसान उस आग को खुद बुझाने की कोशिश करता है, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठता। वैसे आप अकबर और शहजादी की शादी के बड़े हक में हुआ करती थी, क्या हो गया आपको? कुछ औरतों का शर इतना खतरनाक होता है कि वो अपने शौहरों को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकती, और उन औरतों में से एक औरत ये शहजादी भी है। मुझे इस बात का एहसास बहुत देर में हुआ। मैं अपनी इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। चल, देर आए दुरुस्त है, मेरे हक में तो यही बेहतर है ना। अच्छा चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हें पता है ना जैन को कितनी भूख लगती है। मैं देख कर आऊँ।